बाकी सबके एक बड़ी अपडेट कर लेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई। अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भेजी हैं। और अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने तस्वीरों को जारी भी किया है जिसमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान की रफ्तार को कम किया गया है ताकि उसे चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में ले जाया जा सके और चांद पर उसे सुरक्षित उतारा जा सके। लेकिन ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसे में जबकि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग होगी, चांद के अब बेहद करीब पहुंच चुका है चंद्रयान 3 और लैंडर विक्रम जो कि तस्वीरें भेजना शुरू कर चुका है। ये ताजा तस्वीर इसरो की ओर से जारी की गई है और एक्सक्लूसिव तस्वीर ये देखिए किस तरीके से चंद्रयान 3 की ओर से ली गई है। आपको बताएं कि ये जो गड्ढे आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्रेटर्स कहते हैं। ये क्रेटर्स जब उल्का पिंड चंद्रमा की सतह से टकराता है तो ये गड्ढे छोड़ जाता है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव। चंद्रयान 3 की कामयाबी की तरफ भारत के कदम अब लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद भारत इतिहास लिखने जा रहा है। एक दिन पहले डीबूस्टिंग के साथ चंद्रयान की रफ्तार को कम किया गया था और इसके बाद चंद्रमा की दिशा में चंद्रयान एक और पायदान आगे बढ़ चुका है। तेईस अगस्त की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है चंद्रमा पर हिंदुस्तान अपने सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर बार डीबूस्टिंग के साथ चंद्रयान की रफ्तार को कम कर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को ऑर्बिट में थोड़ा और नीचे चंद्रमा के थोड़ा और ज्यादा नजदीक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त की शाम चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये बहुत ही हाई प्रिसिशन मैनूवर्स है और अगर कुछ भी गलती हो गया फिर वो और गलती हो सकता है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। और 23 को हम देखेंगे कि ये ठीक तरह ये लैंड करेगा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जो पहली सबसे जरूरी प्रक्रिया होगी वो चंद्रमा की दिशा होगी। इसरो के मुताबिक चंद्रमा पर कई ऐसी जगह हैं जहां की जमीन बेहद ही खराब है और गड्ढों की तादाद ज्यादा होने के चलते लैंडिंग बेहद चुनौती भरी हो सकती है। और दूसरी है चंद्रयान की रफ्तार जिसे डीबूस्टिंग के जरिए लगातार ही कम किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस वक्त चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग होगी रफ्तार के नजरिए से वो बेहद सटीक होगी। देखिए हाँ, ये जो डीबूस्टिंग मैनूवर्स है, रेट्रोफायरिंग से भी कहते हैं, वो है कि ये पूरे स्पेसक्राफ्ट को धीमा किया जा रहा है। वो बहुत तेज चल रहा है। वो धीरे धीरे दो कार्य हो रहा है, एक तो उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश, और अभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में था, अभी वो और इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया है जिसमें उसका पेरिजी जो है यानी कि चंद्रमा से सबसे पास वाला वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो 25 किलोमीटर ही दूर है। अब बुधवार शाम सॉफ्ट लैंडिंग का मौका होगा और लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार रहेगा। चंद्रयान की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद जताई जा रही है लेकिन आज तक कोई भी देश साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं रहा है। इसके पीछे वजह है चंद्रमा के इस ध्रुवीय इलाके में कई हिस्सों में पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहना। ऐसे में तापमान भी शून्य से 230 डिग्री नीचे चला जाता है और उपकरणों के खराब होने का खतरा रहता है। चंद्रयान का पहले 23 अगस्त की शाम 5:47 पर लैंडिंग का वक्त तय था जो अब 6:04 हो गया है। और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी मून मिशन का सबसे मुश्किल वक्त होता है। स्पेस साइंस में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट
तबाही का वक्त कहा जाता है।